Hello everybody, you're watching Brown Beauty Simar and welcome to my channel. To those who are keep coming back and to those who are new here, welcome to the family. So आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पेडिक्योर रूटीन, घर में मैं पेडिक्योर कैसे करती हूँ, ये अपडेटेड वन है. आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आप लोग इंजॉय करोगे. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद द वीडियो. ठहरा. सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक गर्म पानी का टब जिसमें आप अपने पैरों को पूरी तरह भिगो पाएं. और गर्म से मतलब है जिससे आपके पैरों को आराम मिले, लाइक बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, ऐसा गर्म कि जो आपके पैरों को रिलैक्स कराए. तो नेक्स्ट चीज़ है ये रेज़र. मैं रेज़र यूज़ करने वाली हूँ पैरों में अनवांटेड बालों को हटाने के लिए. ये ऑप्शनल है, अगर आपको ये यूज़ करना नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो. अगली चीज़ है ये ब्रश और ये स्टोन मेरी एड़ियों को रगड़ने के लिए. तो उसके बाद हमें चाहिए कुछ फाइलर्स, नेल कटर, एक्स्ट्रा स्किन आती है उसे पुश करने के लिए और उसे रिमूव करने के लिए ये दो कटर्स. अगली चीज है नेल पॉलिश रिमूवर एंड कुछ कॉटन पैड, देन आपकी चॉइस की नेल पेंट. हमें और एक चीज चाहिए, वो है कोकोनट ऑयल जिसे मैं मसाज करूंगी. और अगली चीज है ये क्रब जो मैंने खुद बनाया है. इसमें मैंने डाला है कोकोनट ऑयल और वाइट शुगर जो हम चाय बनाने के लिए यूज करते हैं. दोनों को इक्वल क्वांटिटी में डाल के मैंने मिक्स कर लिया है. बहुत ज्यादा मिक्स नहीं किया है ताकि शुगर डायलूट ना हो जाए. शुगर हमें फील होती चाहिए ताकि वो स्क्रबर का काम कर पाए. अगली चीज है हम आज ये पेडिक्योर कैन में मास्क भी लगाने वाले हैं. तो मैंने ये मास्क बनाया है बेसन, टर्मरिक एंड ऑलिव ऑयल एंड एप्पल साइडर विनेगर से. चाहिए एप्सम सॉल्ट, आप कोई रेगुलर एप्सम सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने ये कुछ देर पहले खरीदा था हिमालय का बाथ सॉल्ट. ये पैरों को रिलैक्स करने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ है इस हिमालय सॉल्ट में, तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ. अदर चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर एंड कोई भी शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं. मैं आजकल ये कोकोनट ऑयल वाला यूज़ कर रही हूँ तो मैं ये यूज़ करूँगी. गर्म पानी में 2-3 पंप आप शैम्पू के डालने वाले हैं. 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर का, देन आपको 3 टेबलस्पून एप्सम सॉल्ट के डालने हैं. उसके बाद पानी को अच्छी तरह मिक्स कर दें. नेक्स्ट चीज़ मैं करूँगी, कोई हेयर रिमूव कर लूँगी सबसे पहले अगर है तो, और उसके बाद मैं अपने नेल पेंट को रिमूव कर लूँगी. तब तक ये सॉल्ट उसमें अच्छी तरह डाइल्यूट हो जाएगा. नेल पॉलिश को अच्छी तरह रिमूव करके अपने पैरों को अंदर सोक कर लें, लाइक अराउंड 5 or 10 मिनट्स तक सोक रहने दें ताकि वो अच्छी तरह रिलैक्स हो जाएं और जो डेड स्किन है आपके पैरों पे या कोई भी डेड स्किन सेल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएं, ताकि अगर आप स्क्रब करो तो आसान हो जाए. अगला स्टेप हम करेंगे, ये मैं और डेड स्किन अपने नेल्स से पुश कर रही हूँ यहाँ पे, और साथ के साथ मैं उसको काट दूंगी. अगर ये इससे नहीं होगा तो मैं अदर क्यूटिकल कटर के साथ अपनी डेड स्किन को रिमूव कर दूंगी. अगर आप डेड स्किन को रिमूव करते हो तो आपकी नेल पेंट भी अच्छी तरह लगती है और बहुत ज़्यादा देर तक टिकती भी है. और मैं अपने नेल्स को अंदर से साफ़ कर लूँगी, जो भी उसमें गंक फंसा हुआ है उसे निकाल दूँगी. नेक्स्ट स्टेप मैं करने वाली हूँ कि ये ब्रश के साथ मैं अपने नेल्स को स्क्रब करूँगी. उसके बाद हम अपने पैरों को बाहर निकाल लेंगे. अब तक वो बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं. ये ब्रश की स्टोन वाली साइड लेके एड़ियों को रगड़ दूंगी, जो भी डेड स्किन है इससे वो उतर जाएगी. अगला स्टेप हम करने वाले हैं स्क्रब. तो मैं ये जो मैंने कोकोनट और शुगर से स्क्रब बनाया है इससे स्क्रब कर दूंगी. जो मैंने वो पत्थर से डेड स्किन निकाली है ये उससे अच्छी तरह निकल जाएगी और कोकोनट से मॉइस्चराइजिंग भी हो जाएगी, लाइक बहुत ही ड्राई नहीं हो जाएगा सब कुछ. उसके बाद मैं अपने पैरों को बार फिर से धो लूंगी, देन इनको अच्छी तरह ड्राई करके ये जो मैंने बेसन का मास्क बनाया था ये लगा लूंगी और इसको रहने दूंगी 10-15 मिनट.
पैरों को अच्छी तरह धो के ड्राई करके अपने नेल्स को क्लीन कर लूँगी। लाइक मैंने थोड़ा काट के उनकी शेप छोटी की है, तो मैं उनको नेल्स को काट के शेप बना लूँगी। और इस टाइम पे, और वैसे ये स्टेप आप बिगनिंग में भी कर सकते हो, पर मुझे इस टाइम पे करना पसंद है क्योंकि मेरे पैरों के नेल्स काफ़ी हार्ड हो जाते हैं और इस प्रोसेस के बाद वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं उनको शेप करना और उनको काटना। और अब बारी है नेल पेंट लगाने की, तो आप अपने चॉइस का नेल पेंट लगा सकते हैं। मुझे हमेशा पैरों और हाथों पर नूड से कलर लगाना पसंद है क्योंकि वो बहुत देर तक अच्छे दिखते हैं। यू नो, डार्क कलर जब निकलते हैं तो बहुत ही जल्दी बुरे लगने लग जाते हैं, ये मेरा विचार है वैसे, पर समटाइम मुझे रेड नेल्स भी अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद मैं नेल पेंट को ड्राई होने दूंगी। जब वो अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा तो मैं सेम ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल लेके अच्छी तरह पैरों पे मसाज कर दूंगी। और मेरे पैर अब रेडी हो गए हैं समर के लिए, लाइक सैंडल सीजन के लिए। आई होप आपने ये वीडियो इन्जॉय किया होगा, अगर आपने किया है तो मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दीजिए क्योंकि आपके थम्स अप से ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है या नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। गाइज, आई लव यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट, यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। जस्ट स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइज कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग। बाय। I like to make money, get turned. I like to make money, get turned. Got the white girl.